मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7 बजे प्रदेश की जनता के नाम संदेश देने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री कर्फ्यू में ढील का ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पिछले 7 दिन से घटी है। यही वजह है कि 17 मई के बाद प्रदेश के 10 छोटे जिलों में लगे कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में छूट की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि इन जिलों में संक्रमण दर 10 से लेकर 25% तक है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले भी संकेत दे चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार अगर पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे आती है तो यह कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने का संकेत है। ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे हो गई है, वहां 17 मई के बाद धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू को हटाया जाएगा। प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर काफी मारामारी मची है और अब जब प्लांट लगने वाला है तो इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। ये होड़ मच रही है बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के ही लोकसभा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव के बीच। ये प्लांट गुना लोकसभा क्षेत्र में लगाया जाना है, जिसकी स्वीकृति गेल इंडिया लिमिटेड ने दे दी है। दरअसल बीजेपी सांसद केपी सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा था। उन्होंने मांग की थी कि गुना लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 3 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की यूनिट लगाई जाए और यहां मांग सिंधिया ने भी की थी, जिसके बाद दोनों ही नेता के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई। हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय तो है ही, लेकिन संकट के समाधान की कार्य प्रणाली वाले कुशल जनसेवक हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी मन परासी मुरैना के सांसद, जिन्होंने इस चंबल क्षेत्र का परचम केंद्र सरकार में दिल्ली में लहराने की पूर्ण कोशिश की है और जिनके साथ एक सदियों पुराना संबंध सिंधिया परिवार का सदैव रहा है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी मंच पर आसीन हमारे जिलाध्यक्ष योगेश जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, वर्तमान के महापौर अशोक अर्गल जी, मंच पर आसीन हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती गुर्जर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त विधायक और पूर्व विधायक और सबसे महत्वपूर्ण इस ग्वालियर चंबल संभाग के समस्त मेरी जनता जनार्दन जो है उपस्थित है और ये काले झंडे वाले भी, इनको भी मैं उद्बोधन करना चाहता हूं, क्योंकि जिनके दिल काले होते हैं वही काले झंडे दिखाने के लिए आते हैं। प्रदेश में ईद के त्योहार पर कोरोना महामारी का सीधा सीधा असर देखा गया। राजधानी की बड़ी मस्जिदों में शुमार ईदगाह, ताजुल मसाजिद समेत दूसरी मस्जिदों में महामारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई। लोगों ने बिना गले मिले एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों के नमाज अदा करने की अनुमति थी। आपको बता दें कि 132 साल के बाद ये दूसरा मौका है जब ईद की नमाज लोगों ने घर में अदा की। नमाज के बाद लोगों ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआ मांगी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। खाद्य की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने खाद्य की बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सीएम हाउस के सामने धरना करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना और पेट्रोल डीजल के दामों से जूझ रहे किसान महंगाई की मार झेलने पर मजबूर हैं। आपने खाद की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी कर किसानों पर एक बोझ और डाल दिया है। अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती तो सीएम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा और कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो डीएपी खाद होता है, यूरिया के बाद सबसे महत्वपूर्ण खाद किसानों के लिए, उसके भाव सीधे डबल, जो 1200 रुपए के थे वो 2000 रुपए के आसपास कर दिए टैक्स वैक्स समेत। और ऐसे एनपीके जो दूसरा खाद होता है जो हमें चाहिए, उसको भी लगभग 1920 और टैक्स अलग, लागत सीधी दोगुनी। क्या कोरोना काल में शिवराज सिंह जी जो भगवान मानता है अपने किसानों को, उनकी पूजा कर रहा है इस तरीके से? प्रदेश में कोरोना संकट के बीच सतना जिले के कोठी ब्लॉक में ब्लैक फंगस के दो संदिग्ध मरीज मिलने की खबर सामने आई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोठी पहुंचे, दोनों मरीजों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दोनों मरीजों में कॉमन बात यह है कि दोनों कोरोना संक्रमित रह चुके हैं और डायबिटिक भी हैं। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों युवक कोरोना संक्रमित होने और SpO2 कम होने के बावजूद भर्ती नहीं हुए थे, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में कोविड-19 की दवाइयां खा रहे थे।